Hello students, welcome back to another video tutorial of Boost Up Science. And in the last lecture, हम लोगों ने पढ़ा था about epithelial tissue. And आज इस lecture में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं about muscular tissue. So अगर बात करें muscular tissue की, तो हमारी body की जितनी भी movements हैं, उनके लिए muscles एक important role play करती हैं. एंड ये जो मसल्स हैं, मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन होती है, रिलैक्सेशन होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी की सारी मूवमेंट्स होती हैं. इस कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, जो मसल्स की जो कॉन्ट्रेक्शन है, रिलैक्सेशन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, एक्चुअली मस्कुलर टिश्यू के अंदर एक खास प्रोटीन प्रेजेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. और उस कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, वो जो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन है, उसकी वजह से ही हमारी बॉडी में मूवमेंट हो रही है, या हम लोग बोल सकते हैं कि मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन हो रही है. सो मस्कुलर टिश्यू लिखा हुआ है यहां पर, द मूवमेंट्स इन आर बॉडी आर ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स. जो हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट्स हैं, वो मसल्स में कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन होने की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट जो है हो रही है. मसल्स कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, जिसकी मैंने अभी बात की. तो जो मसल्स है, मसल्स में खास प्रोटीन है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन. और ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन ही मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट इन द मसल्स, which is responsible for its contraction and relaxation. And muscles play role in almost every activity of an organism. तो muscles जो है किसी भी organism की जो भी activities हैं, उनको perform करने में बहुत ही important role play करते हैं. Such as अगर हम लोग बात करें movement in our body or limbs. Limbs मतलब जो upper limbs हैं, जो हैंड्स हैं, जो लेग्स हैं, सो अपर और जो लोअर लिम्स की जो मूवमेंट है, हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है, उसमें मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है. मूवमेंट ऑफ हार्ट, जो हार्ट के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रही है, जिसकी वजह से हार्ट बीट कर पा रहा है, इसके लिए भी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है. पैसेज ऑफ फूड थ्रू एलिमेंट्री कैनल, जो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू जो फूड पास हो रहा है, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जो फूड पास हो रहा है, इसके लिए भी मसल्स रिस्पॉन्सिबल है. एंड एज वेल एज फ्लो ऑफ एयर थ्रू आर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो एयर का जो फ्लो है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, हम सांस ले पा रहे हैं, सांस बाहर छोड़ पा रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर मूवमेंट हो रही है. एंड दैट मूवमेंट इज ऑल्सो ड्यू टू मस्कुलर टिश्यू. एंड मस्कुलर टिश्यू हैविंग एन इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर टिश्यू. सो नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मसल्स. अगर मसल्स के टाइप्स की हम लोग बात करें, तो पहला जो टाइप है इसमें, वो आता है स्ट्रिएटेड स्केलेटल और वॉलंटरी मसल्स. जो पहले टाइप की मसल्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं स्ट्रिएटेड स्केलेटल एंड वॉलंटरी मसल्स. सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो हमारी जो बॉडी की जो मूवमेंट्स हैं, वो दो तरीके की हैं. एक जो मूवमेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स. एक तरह के जो मूवमेंट्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉलंटरी मूवमेंट्स, जो अकॉर्डिंग टू आवर विल काम करती हैं. सच एज मूवमेंट ऑफ माई हैंड. अगर मैं अपना ये हाथ हिला पा रहा हूं, तो ये मैं अपनी अर्ज से, मैं अपने विल से इसको हिला सकता हूं. सो इस तरह की जो मूवमेंट्स होती हैं, उनको, उन मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी मूवमेंट्स. एंड इन आर बॉडी सम मूवमेंट्स आर नॉट इन आर कंट्रोल. कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं काम करती हैं, सच एज कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. जो हमारे जो हार्ट की जो बीट है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. जो फूड जो एलिमेंट्री कैनाल से पास हो रहा है, इसकी भी जो मूवमेंट है, वो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही है. तो इस तरह की मूवमेंट्स को हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी मूवमेंट्स. सो वॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम करें,
इनवॉलंटरी मूवमेंट्स जो हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाए. सो जो खुद जो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होती हैं उनको हम लोग इनवॉलंटरी मूवमेंट्स बोलते हैं. सो अगर हम लोग बात करें स्केलेटल स्ट्रिएटेड जो मसल्स हैं उनको वॉलंटरी मसल्स कहा जाता है. और जो दूसरी टाइप की आप मसल्स यहां पे देख रहे हैं उसके बारे में यहां लिखा हुआ है नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स. अगर बात करें वॉलंटरी मसल्स की तो यानी कि जितने भी मूवमेंट्स हम अपने विल के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर पाएंगे उन सभी मूवमेंट्स के अंदर जो मसल्स यूज्ड होगी उस मसल को बोला जाएगा वॉलंटरी मसल्स. और इस वॉलंटरी मसल को हम लोग स्केलेटल मसल भी कहते हैं. इसको स्केलेटल मसल इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट ऑलवेज कनेक्ट विद द स्केलेटन ऑफ आर बॉडी. जो हमारी जो बॉडी का जो स्केलेटन है यानी बोन कार्टिलेज उन सभी के साथ में इस वॉलंटरी मसल का कॉन्टेक्ट होगा. सच एज मूवमेंट ऑफ माय लिम, यहां पर बोन्स के साथ में जो है कनेक्शन होगा मसल्स का. रिस्ट, मूवमेंट ऑफ रिस्ट, तो रिस्ट की जो बोन है इनके साथ जिन मसल्स का कॉन्टेक्ट है उन मसल्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं. एंड द वॉलंटरी मसल और द स्केलेटल मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल. इसको स्ट्रिएटेड बोलने का एक खास रीजन है, जब भी हम इन मसल का कोई सेक्शन कट करते हैं और उसको फिर स्टेन करते हैं किसी डाई से तो क्या होता है कि इनके अंदर कुछ डार्क और लाइट बैंड्स अल्टरनेट मैनर में नजर आते हैं. यानी कि डार्क और लाइट बैंड्स के स्ट्रिएशंस नजर आती हैं जिसकी वजह से हम इस तरह की मसल्स को स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं. सो फर्स्ट टाइप ऑफ मसल्स आर स्ट्रिएटेड स्केलेटल और वॉलंटरी मसल. द सेकेंड टाइप ऑफ मसल आर नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल्स. यानी कि जो हमारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हमारे विल के कंट्रोल में नहीं है उस तरह के मूवमेंट्स को करवाने में जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जो मसल इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है दैट मसल इज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल. उस तरह की मसल को हम लोग क्या बोलते हैं, इनवॉलंटरी मसल कहते हैं. एंड इनवॉलंटरी मसल इज ऑल्सो कॉल्ड स्मूथ मसल. इस इनवॉलंटरी मसल को स्मूथ मसल भी कहा जाता है. और जब आप इसको किसी डाई से स्टेन करोगे तो यहां पे आपको डार्क और लाइट जो बैंड्स हैं जो स्ट्रिएशंस हैं वो नजर नहीं आएंगे. दैट्स व्हाई इट इज नॉन स्ट्रिएटेड मसल. सो देयर आर टू मसल्स, स्ट्रिएटेड स्केलेटल और वॉलंटरी. एंड द सेकंड टाइप ऑफ मसल इज नॉन स्ट्रिएटेड स्मूथ और इनवॉलंटरी मसल. द थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कार्डियक मसल. एंड दिस कार्डियक मसल इज एक्चुअली प्रेजेंट इन आर हार्ट. सो दीज आर प्रेजेंट इन आर हार्ट. दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन आर हार्ट एंड दीज मसल्स आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट. Contraction and relaxation of heart. So muscular tissue जो है हमारे जितनी भी body के movement है उसके लिए responsible है. और muscles के अंदर contraction relaxation होती है जिसकी वजह से हमारे body में movements जो है perform हो पाती है. और muscles एक important protein को carry करता है. उस protein का नाम क्या है, कॉन्टेक्टाइल प्रोटीन. अगर मसल के टाइप्स की बात करें तो मसल्स के तीन टाइप्स हैं, स्ट्रिएटेड और स्केलेटल और वॉलंटरी. द सेकेंड टाइप इज नॉन स्ट्रिएटेड और स्मूथ और इनवॉलंटरी. एंड द थर्ड टाइप ऑफ मसल्स विच आर प्रेजेंट इन आर हार्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. एंड दिस थर्ड टाइप ऑफ मसल इज कॉल्ड कार्डियक मसल. सो नाउ हम लोग अब देखने जा रहे हैं कि स्ट्रिएटेड स्केलेटल वॉलंटरी मसल इन सबके डायग्राम को हम लोग एक बार देखते हैं और इनके और भी फीचर्स के बारे में हम लोग जानते हैं.
ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ मसल्स, अगर इन मसल्स के बीच में हम डिफरेंसेस देखना चाहें तो जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल इज स्ट्रिएटेड वन, स्मूथ मसल इज नॉन स्ट्रिएटेड, यानी कि इन माइक्रोस्कोप यू कैन सी हेयर डार्क एंड लाइट बैंड्स, बट हेयर द डार्क एंड लाइट स्ट्रिएशंस आर नॉट अपीयर्ड, एंड कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो स्ट्रिएटेड मसल्स. सो स्केलेटल मसल्स आर स्ट्रिएटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स आर नॉन स्ट्रिएटेड, एंड कार्डियक मसल्स आर स्ट्रिएटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी बिकॉज दे परफॉर्म देयर एक्शन अकॉर्डिंग टू आर विल, ये हमारे विल के अकॉर्डिंग मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्केलेटल मसल दैट्स वाई आर वॉलंटरी, वाइल द स्मूथ एंड कार्डियक मसल्स आर इनवॉलंटरी. स्मूथ मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी एंड कार्डियक मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी. इन स्केलेटल मसल द सेल्स कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई, सो दिस टिश्यू कंटेन मल्टीपल न्यूक्लियाई, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएटेड. हेयर इन द स्मूथ मसल द सेल कंटेन ओनली अ सिंगल न्यूक्लियस, दैट्स वाई इट इज यूनिन्यूक्लिएटेड, एज वेल एज कार्डिक मसल्स आर ऑल्सो यूनिन्यूक्लिएटेड. स्केलेटल मसल्स अटैच टू बोन्स, स्मूथ मसल्स फाउंड ऑन होलो इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक एंड ब्लड वेसल्स. सो द स्मूथ मसल्स आर फाउंड ऑन होलो इंटरनल ऑर्गन्स सच एज स्टमक एंड ब्लड वेसल्स, वाइल कार्डियक मसल्स आर फाउंड ऑन द हार्ट्स वॉल, ये हार्ट की वॉल पे पाई जाती है. Skeletal muscle is responsible for movement of skeleton. So skeletal muscles are responsible for movement of skeleton. While the smooth muscles are responsible for involuntary movement such as movement of blood and food. And cardiac muscles are responsible for contraction and relaxation of heart. So, ये जो differences हम लोगों ने पढ़ी काफी important है, कई बार exam में भी difference पूछे जाते हैं between the skeletal, smooth and cardiac muscles. तो skeletal muscles कैसी हुई? Striated muscles हुई, smooth muscles non-striated, cardiac muscles striated. ये voluntary है because जो भी मूवमेंट ऐसी है जिसको हम लोग खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे विल के अकॉर्डिंग चलती हैं, सो दीज मूवमेंट्स कॉल्ड वॉलंटरी मूवमेंट्स, एंड स्केलेटल मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट्स, एंड वाइल द स्मूथ एंड कार्डिक मसल्स आर नॉट इनवॉलंटरी, नॉट इन्वॉल्व इन द वॉलंटरी एक्शन, दे इन्वॉल्व इन द इनवॉलंटरी मूवमेंट्स, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज इनवॉलंटरी मसल्स. Skeletal muscles are multinucleated, smooth muscles are uninucleated, and cardiac muscles are also uninucleated muscles. And skeletal muscles attach to bones, smooth muscles found on the hollow organs such as stomach and blood vessels, while the cardiac muscles found on the heart's wall. Skeletal muscles are responsible for movement of our skeleton. Smooth muscles are responsible for movement of blood or fluid or lymph or food, and cardiac muscles are responsible for contraction and relaxation of heart. So this is about the difference between the different types of muscular tissues. Now ek bar inka diagram bhi hum log dekh lete hain, aur ye diagram bhi kai bar exam point of view एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई एग्जाम्स में पूछा भी जाता है. सो नाउ द डायग्राम ऑफ स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डिक मसल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग डायग्राम देख लेते हैं एक बार, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स हैं. स्केलेटल मसल के अगर डायग्राम की बात करें तो दिस इज स्केलेटल मसल, और स्केलेटल मसल में अगर आप ध्यान से देखें जो सेल्स हैं, सेल्स लॉन्ग है, नैरो है, सिलेंड्रिकल है, और
अनब्रांच सेल्स आपको नजर आ रही हैं विद टेपरिंग एंड्स, यहाँ पे जो आपको एंड्स नजर आ रहा है वो टेपरिंग, माफ कीजिएगा, द एंड्स आर ब्लंट एंड्स, जो आपको एंड्स नजर आ रहे हैं वो ब्लंट एंड्स नजर आ रहे हैं. एंड वी नो दैट द स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड, सो यहाँ पे आपको मल्टीपल न्यूक्लियाई भी नजर आ रहे हैं. सो स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सिलिंड्रिकल अनब्रांच्ड फाइबर्स विद ब्लंट एंड्स एंड द स्केलेटल मसल्स आर मल्टी न्यूक्लिएटेड. द सेकेंड टाइप ऑफ मसल इज स्मूथ मसल, और अगर स्मूथ मसल में हम ध्यान से देखें तो स्मूथ मसल हमें स्पिंडल शेप नजर आ रही है, एंड एज वेल एज यहां पे जो आपको एंड्स इसके नजर आ रहे हैं, ये एंड्स जो हैं, ये एंड्स आपको पॉइंटेड एंड्स नजर आ रहे हैं. सो स्मूथ मसल कंसिस्ट ऑफ स्पिंडल शेप सेल्स विद पॉइंटेड एंड्स, एंड यू कैन सी हियर अ सिंगल न्यूक्लियस सिचुएटेड एट द सेंटर. तो यहां पे आपको जो न्यूक्लियस में नजर आ रहा है वो सिर्फ एक ही सिंगल न्यूक्लियस नजर आ रहा है. अगर बात करें मसल्स की, तो मसल्स में एक इंपॉर्टेंट फीचर आप हमेशा याद रखें, जो साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म है किसी भी मसल का, उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्म, उसको बोला जाता है सार्कोप्लाज्म. और जो मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है इस मसल की, उसको बोला जाता है सार्कोलेमा. तो जो साइटोप्लाज्म होता है मसल का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म. और जो मेम्ब्रेन है मसल की, उसको बोला जाता है सार्कोलेमा. ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं इन द न्यूरॉन्स एज वेल. न्यूरॉन्स में भी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन की या सेल बॉडी की, उसको बोला जाता है न्यूरोलेमा. और जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोला जाता है न्यूरोप्लाज्म. इसी तरीके से हमने यहां पर भी वर्ड यूज किया है सार्कोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म है इस मसल का, और सार्कोलेमा जो कि मेम्ब्रेन है. सो नाउ द थर्ड टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू इज कार्डियक मसल्स. और अगर कार्डियक मसल्स की बात करें, तो कार्डियक मसल्स में आपको शॉर्ट सिलिंड्रिकल ब्रांच्ड फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं. तो दीज मसल्स आर शॉर्ट सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच्ड, एंड दीज मसल्स कंटेन वन और टू न्यूक्लियाई इन द सेंटर. सो दे कंसिस्ट ऑफ आइदर वन और टू न्यूक्लियाई, जनरली कंटेन वन न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई हमने जब डिफरेंस किया था, तो हमने इसको यूनी न्यूक्लिएट कंडीशन में रखा था, क्योंकि रेयरली टू न्यूक्लियाई यहां पर मिलते हैं, जनरली एक ही न्यूक्लियस मिलता है. सो स्केलेटल मसल्स की अगर बात करें, तो स्केलेटल मसल्स जो है आपको सिलिंड्रिकल लॉन्ग नैरो मल्टी न्यूक्लिएटेड मिल रही हैं, और जो एंड्स हैं, एंड्स कैसे हैं इसके, ब्लंट एंड्स हैं. स्मूथ मसल्स स्पिंडल शेप्ड सेल्स को कंटेन करती हैं, यूनि न्यूक्लिएट सेल्स हैं. और जो इनके जो एंड्स हैं, स्मूथ मसल्स के जो एंड्स होते हैं, वो कैसे एंड्स होते हैं, वो पॉइंटेड एंड्स होते हैं. कार्डिक मसल्स जो है कंटेन करती हैं शॉर्ट ब्रांच्ड फाइबर्स को, सिलिंड्रिकल फाइबर्स को, और जनरली जो न्यूक्लिया यहां पर होंगे वो एक या दो होंगे. सो दिस इज अबाउट द मस्कुलर टिश्यू. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यूज. थैंक यू सो मच.